तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। 2 रुपए प्रति किसान के खाते में डाला गया था और इस योजना का भरपूर लाभ चुनाव में कैसे उठाया जा सकता है, केंद्र की सरकार ने इसका लाभ उठाया और प्रचार किया और किसानों की अपने आप को काफ़ी बड़ी हितैषी बताने का भी, श्रेय लेने का भी कार्य उस समय जितना हो सकता था केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन आज वही केंद्र की सरकार इन किसानों से, वो जो किसान सम्मान निधि का पैसा है, उनमें क्राइटेरिया बना करके वापस ले रही है। जो किसान सम्मान निधि योजना है, आज ये केंद्र सरकार उसका किसान अपमान विधि के रूप में प्रयोग कर रही है। किसानों से पैसे जब देने की बात थी, तब तो सरकार का ये प्रयास था कि समस्त किसानों को जल्द से जल्द ये पैसे पहुंचा दिए जाएं, और जिस कारण से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने किसान थे देश में, उनका पासबुक नंबर, बैंक अकाउंट, खाता नंबर लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने अपलोड कर दिया और उनको किस चली गई। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक क्राइटेरिया जो बनाया, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी और उसके क्राइटेरिया में 10 बिंदु हैं कि जो जो लोग ये पात्र हैं, जैसे इनकम टैक्स कोई पेयर है, पूर्व कोई संवैधानिक पद पे रहा हो, जो बड़ा खेतिहर है, जो पेंशन पा रहा है 10,000 पर मंथ से ज़्यादा, उसमें 10 नाम्स हैं, तो अब उन लोगों को नोटिसें जा रही हैं पूरे देश के किसानों को। जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 2 करोड़ लोगों को इस तरह से चिन्हित किया गया है। और हमारे यूपी में भी बहुत रिपोर्टिंग भी हो रही है, हमने खुद देखा है, एक जिले में 25-30-40 हज़ार लोगों को अभी तक नोटिसें जा चुकी हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि किसान सम्मान निधि आज किसान अपमान निधि बन गई है, क्योंकि उस नोटिस में जो शब्दावली लिखी है कि आपने गलत तरीके से ये लाभ लिया, ये दंडनीय अपराध है, आप पैसा वापस करें। दूसरी बात, वो है हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, वेबसाइट पे भी है, और 3 जगह ब्लॉक पे, तहसील पे और कृषि विभाग पे, जो ब्लॉक के, तहसील के और कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे वो संपर्क करें, वो तुरंत अपना फॉर्म भर के दें और उसमें, उस फॉर्म में ये कैटेगरी है कि इस 10 कैटेगरी के बाहर के आपको होना चाहिए, वो अंडरटेकिंग देना है, वो भर के दें। हर गांव में कृषि सहायक हैं, हर ब्लॉक में अधिकारी हैं, एडीओ हैं, पंचायत एडीओ हैं, बीडीओ हैं, तहसील में हैं, लेखपाल को बताएं, उसके अपने गाँव के लेखपाल को, वो उसको